लाठीचार्ज हुआ तो उसके उसमें यहाँ पर आए उन लोगों से मिलेंगे जो लोग जेल में बंद है, जो घायल उतार के लिए हाँ गिरफ्तार कर जेल या आंदोलन क्या नुकसान है। अच्छा तनख्वाह काट का आप क्या आती तनख्वाह कितना रेट अब सरकार दे रही है, कितना एस्टीमेट सरकार क्या, ये तो यहाँ पर आप मार्केट में बिक जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़ा विरोध किया। जी हाँ, लाठीचार्ज हुई थी कुरुक्षेत्रा के अंदर, जहां पर राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर बहुत ही बड़ी बात कह दी। किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के ऊपर जो ये अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, इससे MSP की मांग और ज़्यादा बढ़कर सामने आएगी और दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होगा। हरियाणा के कई जगहों पर आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि आगे की रणनीति के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपसे अपील करेंगे, वॉर्स न्यूज़ की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि राकेश टिकैत करनाल पहुंचे, सभी किसानों से मिले। किसानों से मिलने के बाद बातचीत की गई और बातचीत के दौरान सभी किसानों को हौसला दिया गया और ये भी कहा गया कि सरकार मुकदमे का बहाना देकर डराती है सभी को, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है, हम डरेंगे नहीं और इस बात का कड़ा विरोध किया जाएगा। फिलहाल आप इनकी बात से क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ सोनम, आप देख रहे हैं वॉट्स न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ आइए जानते हैं राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना। गृह मंत्री के साथ भी बातचीत हुई है, आज अनुराग ठाकुर के साथ भी उनकी बातचीत हो रही है। आप चाहते हैं बातचीत से ही समाधान निकले, ज्यादा बेहतर है। तो कैसा है खुद करके भी हमने ये कहा था कि 9 जून तक अगर सरकार बात नहीं करेगी तो हम 9 जून को उन पहलवानों को वहीं जाकर बैठाएंगे। शाहबाद में भी चलेंगे ना, कई जगह मोर्चे खुले, शाहबाद है, नोएडा है, दिल्ली का है, तो मोर्चे तो खुले चार तरफ देश में। तो क्या कुछ रणनीति बनाई है सर, शाहबाद में क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं? अभी सब लोग हैं यहाँ पे, कमेटी के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो जो लाठीचार्ज हुआ गलत हुआ सर, और लाठीचार्ज MSP मांग रहे थे किसान, MSP ये देश में MSP पे पहला लाठीचार्ज है, ये पूरे देश में MSP की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में, जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन MSP पे करना पड़ेगा। तो चोटिल किसानों का हालचाल जानने सब जगह जाएंगे हम, क्या यहाँ से वापस जा रहे, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। किसानों ने जाम किए हुए हैं रोड, कई जगह पर बैठे हुए, चाहे वो सहारनपुर रोड जाम तो होंगे भाई, जाम भी ना हो। अगर बात की जाए जो पहलवानों को लेकर गृह मंत्री से मिले, उनके बाद आपका कुछ बयान आया था, क्या रणनीति आगे की? रणनीति अभी है कि आज भी अनुराग ठाकुर जी से, उनकी खेल मंत्री से बातचीत चल रही है, अभी इस टाइम पे भी शायद मीटिंग चल रही है। बलाली में चरखी दादरी में आज उनका पंचायत है, महापंचायत है, पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे, सब काम होंगे, तो बहुत जनता है देश में, सारा काम करो जाएगी। तो आज करनाल पहुंचे हैं? हाँ करनाल पहुंचे, अभी शाहबाद जाएंगे आप? हाँ शाहबाद भी जाएंगे, जो कमेटी जहाँ जहाँ जाएंगे देख सकते हैं।